आज मैं ऐसे इक्विपमेंट के बारे में बात करूंगा जो कि जिम में यूनिक है और बिगनर के लिए बहुत ही जबरदस्त इक्विपमेंट है। तो मैं आपको पहले उसका डिजाइन दिखाऊंगा, उसकी क्वालिटी के बारे में बताऊंगा और क्या यूजेस हैं उसका, उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ वो इक्विपमेंट जिसका नाम है फ्लैट प्रेस हैमर। ये एक ओवरव्यू देखिए, इसका लुक देखिए कैसा है। इसकी डिजाइन बहुत ही जबरदस्त कॉम्पैक्ट है और जैसे कि बेंच प्रेस देखते हैं आप, फ्लैट ओलंपिक बेंच देखते हैं आप, तो ओलंपिक बेंच में क्या होता है कि स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि 7 फुट की मिनिमम ओलंपिक रॉड उस पर रखी जाती है। तो 7 फुट की स्पेस तो आपकी वैसी गई और 20 kg का अगर उस पर बारबल है तो बिगनर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें ऐड करके और फिर लिफ्ट करना। तो बिगनर क्या करता है, बिगनर सिर्फ या तो रॉड से करता है या फिर वो कर नहीं पाता। ये मशीन उसको रिप्लेस कर सकती है अगर बिगनर को करना है तो, इस पर कर सकता है वो फ्लैट प्रेस हैमर पे। इसमें मूवमेंट बिल्कुल डंबल वाली आती है, मतलब डंबल वाली मूवमेंट ऐसे कह रहा हूँ मैं कि जैसे कि आप डंबल प्रेस करते हैं ऊपर की तरफ, आप जैसे स्क्वीज करते हैं थोड़ा नैरो आता है डंबल, उस तरीके की इसकी मूवमेंट है। अब मैं इसके आपको क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। क्वालिटी परफेक्ट है, बिल्कुल फुल्ली कमर्शियल है। सीआर पाइप का यूज़ हुआ है इसमें, 12 गेज, एग्जैक्टली 12 गेज, 100x50mm का साइज है पाइप का और रेक्टेंगुलर पाइप है ये। पाउडर कोटेड है विद ट्रीटमेंट, मतलब हाई क्लास पाउडर कोटिंग है इस पर। जो भी इसमें एक्सेसरीज यूज़ की गई हैं लाइक बेरिंग्स, वेरिंग ऑपरेटेड है ये, तो बेरिंग बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए। तो बेरिंग इसमें इम्पोर्टेड डली हुई है ताकि इसमें कभी प्ले ना आए, कभी बेरिंग कटे ना, उसके बॉल्स कटे ना। उसके बाद इसकी कुशन की बात करें तो ये लेदर जो आप ऊपर सिंथेटिक लेदर देख रहे हैं ये भी इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्ट करके मंगाया जाता है। जो इंडियन सिंथेटिक लेदर हैं उसमें 2 किस्म के लेदर आते हैं, या तो वो बहुत हाई क्लास है तो बहुत ज़्यादा रेंज ऊपर चली जाती है, और इम्पोर्टेड उसी हाई क्लास में मिनिमम रेंज में मिल जाती है, या फिर बिल्कुल ही इंडियन लो क्लास है तो वो क्या होता है महीने भर में उसमें मॉइस्चर चला जाता है और पपड़ी बन जाती है, उसकी फटने लग जाता है। तो हम इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं, इसमें शिकायत नहीं आती, फीडबैक बहुत अच्छा है इसका। तो ये लेदर यूज़ होता है। जो बाकी ऐसी चीज़ देख रहे हैं आप जैसे ग्रिप का कैप, नट बोल्ट्स, इसका होल्डर, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेड लगाई गई हैं, मतलब हाई एंड, बहुत हाई क्वालिटी, ज़बरदस्त क्वालिटी। और ख़राब होने की इसमें कोई चीज़ ही नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि ये फ्री वेट मशीन है, प्लेट लोडेड मशीन है। तो ये बताना चाहता था मैं आपको, एक यूनिक इक्विपमेंट है, आप अपने जिम में रख सकते हैं अगर बिगनर आपके आते हैं। इस देखिए तीनों वेरिएंट बनते हैं इसके, इसमें इंक्लाइन प्रेस भी बनता है और डिक्लाइन प्रेस भी बनता है। फिलहाल ये फ्लैट प्रेस है, आपके होल चेस्ट को टारगेट करता है ये, और कुछ इस तरीके का लुक आता है इसका, बहुत ज़्यादा जिम में स्पेस भी नहीं लेता। तो अगर आप इस मशीन को अपने जिम का पार्ट बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग और सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आप फुल्ली कमर्शियल जिम सेटअप लगाना चाहते हो, पूरा जिम सेटअप, तो भी आप हमें कॉल करके, व्हाट्सअप करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्या प्राइसिंग होगी, कितने कितने इक्विपमेंट के पैकेजेस बने हुए हैं हमारे पास, आपकी लोकेशन बजट के हिसाब से हम आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आ रहा डिसलाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।